आज मैं फिश करी बनाने जा रही हूँ। फिश करी में आज मैं ऑलरेडी पहले से ये नमक हल्दी लगा के फिश को रख दी थी 10-15 मिनट। उसके बाद में इसको फ्राई कर ली, मैं पहले से फिश को फ्राई कर ली हूँ। ये मेरा फिश फ्राई है और ये आलू काट के बॉईल कर ली हूँ, इसमें नमक हल्दी लगा दी हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बॉईल इसलिए कर ली हूँ क्योंकि जिनके घर में शुगर पेशेंट है या शुगर की दवाई खाते हैं वो लोग ये आलू खा सकते हैं, क्योंकि बॉईल करके आप उसका अगर पानी फेंक देते हैं तो उसमें शुगर निकल जाता है, उसका जो फेना एक निकलता है ना उसमें इसका शुगर निकल जाता है। तो वो शुगर आदमी भी खा सकते हैं, जो शुगर का दवाई खाते हैं वो ये आलू खा सकते हैं। इसीलिए मैं ये आलू बॉयल कर ली हूँ, करके पानी निकाल के अब नमक हल्दी मिला ली हूँ। अब ये मैं, ये देखिए मैं पहले से फिश को फ्राई कर ली हूँ। इसी तेल में मैं ये कलौंजी ली हूँ, कलौंजी ये आधा चम्मच कलौंजी ली हूँ, इसको ये तेल में दे दूंगी मैं। इसी तेल में पहले फिश फ्राई करी की हूँ, उसी तेल में मैं ये कलौंजी दे दूंगी। देने के बाद में मैं आस्ते आस्ते ये आलू सब कुछ छोड़ दूंगी, ये आलू को थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लूंगी। इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लूंगी, ये जैसे फ्राई होता है इसको मीडियम फ्लेम में मैं रखती हूँ। मीडियम फ्लेम में इसको आलू को फ्राई कर ले रही हूँ। और उसके लिए मैं ली हूँ वो बिग फिश फ्राई के लिए ली हूँ मसाला, एक टमेटो को ग्रेट कर ली हूँ, दो कच्चा मिर्चा ली हूँ, एक ऑनियन को लंबा शेप में काट ली हूँ, ऐसे पतला पतला लंबा शेप में, ऐसे लंबा शेप में काट ली हूँ, लंबा लंबा पतला। और इसके लिए ली हूँ थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, नमक स्वाद अनुसार, और शुगर ली हूँ बैलेंस करने के लिए। शुगर एक्चुअली ये मेरा देसी खंड है जिसको बोलते हैं ब्राउन शुगर, मैंने ये शुगर पेशेंट खा सकते हैं, शुगर जो दवाई खाते हैं उसके लिए ये मैं चीनी यूज़ करती हूँ, तो ये चीनी ली हूँ। और इसके बाद में ये जैसे आलू फ्राई हो जाता है, ये आलू जैसे देखो फ्राई हो गया, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखो फ्राई हो गया, ये देखो फ्राई जैसे ये हो जाता है, मैं इसमें कुछ नहीं, ये जो टमाटर को जो ग्रेट करके रखी थी एकदम, इसको आप पेस्ट भी कर ले सकते हैं, मैं ग्रेट कर ली हूँ, आप इसको पेस्ट भी करके दे सकते हैं, मैं ग्रेट करके दे रही हूँ। ये देखिए ये ग्रेटेड टमाटो एक थोड़ ली थी, उसको मैं ये इसमें हाथ दी, हालने के बाद में थोड़ा ढक दूँगी, ढकने के बाद में ये तब तक टमाटर इसमें ग्रेवी हो जाएगा, थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, तब मैं इसको खिला दूँगी। फिर ये देखिए टमाटर, ये थोड़ा सा टमाटर हल्का फ्राई हो जाने के लिए थोड़ा सा तेल छोड़ेगा, सर मैं इसमें थोड़ा सा हल्का 2 मिनट इसको फ्राई होने दे रही हूँ। ये देखिए मेरा ये तेल छोड़ दिया टमाटर, देखिए आलू में मिक्स हो गया, टमाटर थोड़ा सा तेल छोड़ दिया। अब ये जो बीहू नमक लाल मिर्च पाउडर हल्दी चीनी सब दे दूँगी, अच्छा देने के बाद में इसको थोड़ा सा हल्का 2-3 सेकंड के लिए पकने दूँगी, ये 2-3 सेकंड के लिए इसको पकने दूँगी ढाक के। तो 2-3 सेकंड मिला लूंगी, झटका तैयार हो जाता है।
टाइम नहीं लगता है जो ग्रेवी के तेल छोड़ दे टमाटर भी पूरा बॉयल हो गए हैं, फिर गया है टमाटर और हल्दी भी दे दी, पूरा एकदम तेल छोड़ दिया। अब इसमें मैं दे दूँगी पानी, मैं पानी को पहले से थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ। गर्म करके हर समय सब्जी में गर्म पानी दीजिएगा ताकि सब्जी का टेस्ट बरकरार रहता है। तो मैं ये सब्जी में थोड़ा पानी दे दूँगी। ग्रेवी अपने हिसाब से दीजिएगा, तरी जितना जैसे लोग हैं उस हिसाब से तरी दीजिएगा। ये चावल के लिए हैं, इसको आप रोटी से नहीं खा सकते क्योंकि ये थोड़ा सा पतला ग्रेवी होता है। तो ये देखिए मैं ये पानी दे रही हूँ। देने के बाद में इसमें मैं ये पीस को छोड़ दूँगी। पीस को छोड़ने के बाद में इसको थोड़ा सा बॉयल होने दूँगी, पीस एकदम आलू के साथ में मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा ढक देती हूँ, 2 मिनट भी हो जाए। ये देखिए मेरा पीस बॉयल हो गया है, इनके पीस भी बॉयल हो गया, ये आलू भी पूरा बॉयल हो गया, आलू भी मेरा तरी तैयार। इसमें लास्ट में जो चीज़ है इसके स्वाद में, इसका मेन इंग्रेडिएंट है आपका ये ऑनियन और कच्चा मिर्चा। ये जैसे बॉयल हो जाता है इसको हम ऊपर से ये कच्चा प्याज और ये कच्चा मिर्चा छोड़ देंगे और इसको कुछ नहीं करेंगे, तो छोड़ देंगे। छोड़ के थोड़ा सा मिला के इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। ये प्याज का स्वाद भी इसको खिला। और ये 1 चम्मच में मैदा ली हूँ इसके ग्रेवी को थिक बनाने के लिए, क्योंकि हर कैटरर हर चीज़ में ओलन का इतना थिक ग्रेवी क्यों होता है, क्योंकि ओलन हर चीज़ में मैदा देते हैं, इसीलिए कॉर्नफ्लोर देते हैं या मैदा देते हैं, तो हर कैटरर यही करते हैं। तो मैं 2-1 कैटरर से भी देखी हूँ, उसी हिसाब से मैं 1 चम्मच मैदा ली हूँ। ये मैदा को पानी में घोल ली हूँ, घोल के अब ये ग्रेवी में दे दूँगी। तरी में देने के बाद में थोड़ा इसको हिला लूँगी। हिलाने के बाद में कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट इसको बॉयल होने दूँगी ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए, एकदम गलेगा नहीं प्याज, प्याज ऊपर में तैरता हुआ दिखेगा, तैरता रहेगा प्याज, इसको गलाएंगे नहीं प्याज को, प्याज ऐसे ही रहेगा। जब खाएंगे थोड़ा सा आधा कच्चा आधा पक्का प्याज का टेस्ट आएगा मुँह में, इसीलिए मैं इस प्याज को गलाऊंगी नहीं। ये थोड़ा सा हल्का बॉयल कर लूँगी 2 मिनट, मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम में दे दे रही हूँ। जैसे बॉयल हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगी प्याज का कैसे सीझा है। ये देखो मैं गैस ऑफ कर दी हूँ, अब मेरा ये पीस तैयार हो गया। देखो प्याज ना गलेगा ना देखिए पूरा रहेगा, थोड़ा सा बॉयल भी हो जाएगा खाते समय, तो कच्चा प्याज का टेस्ट भी गंद भी चले जाएगा, हमें कच्चा प्याज का बास भी नहीं आएगा और ना ही गलेगा प्याज से। इस टाइप में मेरा तैयार हो जाएगा तरी, और मैं इसको बॉयल में ढाल ले रही हूँ। ये देखिए मेरा कच्चा प्याज और कच्चा प्याज से
फीस मेरा रेडी है। थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू।